नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औरादी तालुका पट्टन पंचायत में पानी की नाली भारी समस्या से जूझ रहे हैं लोग। कचरे के ढेर भी दे रहे बीमारियों को दावत, संबंधित अधिकारी से लोग परेशान। गठबंधन राज्य में सभी 28 सीटें जीतेगा, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया दावा। देवेगौड़ा के समर्थन का किया स्वागत। अगर फिर जेल से छूटा तो आपको नहीं छोड़ूंगा, महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ पार्टी को कांग्रेस नेता सुनील केदार की खुली धमकी। शिवराज संगड़गी की थप्पड़ वाली टिप्पणी पर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेगी, विपक्ष के नेता आर अशोक ने यह बात कही। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 23 मार्च को 16वें रोजे के अवसर पर बीदर के मनियार तालीम में स्थित बाबा फंक्शन हॉल में सज्जाद अली, लायक अली, नगर सभा के पूर्व काउंसलर नासिर अली और भाइयों की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया और भोजन की व्यवस्था की गई। इस दावत इफ्तार में भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे, रोजा इफ्तार किया और भोजन किया। इस अवसर पर यस के फिरोज, मूनलाइट नगर सभा काउंसलर सऊद सेरीकार, अरशद अली के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दावत इफ्तार के आयोजकों सज्जाद अली, लायक अली, नगर सभा के पूर्व काउंसलर नासिर अली और उनके भाइयों ने रोजेदारों का स्वागत किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर जिला के औरादी तालुका में औराद पट्टन पंचायत में पानी नाली की समस्या बहुत बढ़ गई है। पीने और उपयोग करने के लिए पानी की काफी कमी हो गई है, साथ ही यहां पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिनके कारण निवासियों में बीमारियां फैलाने वाला खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों और 5, 7 और 8 मार्च को केपी न्यूज से इस संबंध में औरादी तालुका के पट्टन पंचायत में हो रही विभिन्न समस्याओं के बारे में औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की स्पेशल रिपोर्ट दिखाया था, जिसके बाद औराद पट्टन पंचायत के मुख्य सड़क से कचरा हटाया गया, परंतु यहां की नालियों और दूसरे स्थानों पर मौजूद कचरा नहीं हटाया गया। पट्टन पंचायत के सभी वार्डों के स्थानीय लोग, विशेष तौर पर महिलाओं ने केपी न्यूज से बात की। महिलाओं ने केपी न्यूज को बताया कि किसी भी वार्ड में भी अभी तक कचरे की गाड़ी नहीं आई है, जिसके कारण लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पट्टन पंचायत के लोगों का कहना है कि पंचायत के चीफ ऑफिसर स्वामीदास मुस्केत, जिन्होंने यहां पर 10 महीनों तक काम किए और उनका ट्रांसफर हो गया। स्वामीदास मुस्के ने नल का बिल और अन्य टैक्स को वसूल करने में रुचि दिखाई, नोर वसूल किया, परंतु इस इलाके की समस्याओं का समाधान नहीं किया। इनका काम डिजिटल खाता बनाना और पानी का बिल वसूल करना और घर का टैक्स वसूल करने तक ही सीमित रहा। कभी चीफ ऑफिसर स्वामीदास मुस्के ने पट्टन पंचायत की समस्याओं को हल करने के लिए कार्य नहीं किया। इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर मोहम्मद समी और वाटर सप्लाई सेक्शन के अधिकारी मोहम्मद जमीर ने भी यहां की जनता को कोई सुविधा नहीं दी और उनको परेशान किया, जिसके लिए यहां की जनता उनसे काफी नाराज है। औरादी तालुका के पट्टन पंचायत की महिलाओं कमलाबाई, भाग्यश्री झरमा, ललिताबाई, कौसाबाई और अन्य ने इस संबंध में केपी न्यूज से बात की। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद भी तालुका में आज क्या है, बोलकर आज पट्टन पंचायत के अंदर एक कचरे का एक ढेर लगा हुआ है। पट्टन पंचायत के या लेबर इंस्पेक्टर होंगे या चीफ ऑफिसर होंगे, इन क्या है बोलो तो इस पट्टन पंचायत के अंदर, इस पट्टन के पंचायत के अंदर क्या बोलते हैं, हम निर्लक्ष्य कर रहे हैं। खुद हमारे साथ देख सकते हैं कि इधर से यही रोड जाती है, उदगीर रोड जाती है, औरा से उदगीर रोड जाती है, मगर फिर भी क्या है बोलो तो पट्टन पंचायत के अधिकारी क्यों बोलो तो यहाँ पर बॉडी नहीं है, अध्यक्ष का बॉडी नहीं है, मेम्बरों का बॉडी नहीं रहने से इसको क्या बोलो तहसीलदार है मेन, और आगे आके पता चलेगा, हमारे कैमरामैन आगे आके पता चलिए कचरे का कूड़ा कितना है, देखिए कचरे का कूड़ा देखिए, हमारे कैमरामैन हम आगे आके बता सकते हैं। इतना तकलीफ में जी रहे हैं कि महिलाओं ने हमारे केपी न्यूज को बार 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 फोन लगा के बता रहे हैं कि तुम आगे हम पे देखो, साहब तुम ओपन में आके देखो, वो आपको देखने के बाद आपको जानबीन करके तुम खुद न्यूज करो बोल के हमारे खुद ये कर रहे हैं। खुद हमारे पास देखिए हमें कितना बड़ा डबरा है, तकरीबन नहीं बोलो तो हमारे साथ में ये बता सकते हैं कि हमारे केपी न्यूज को कॉल करके बता सकते हैं कि यही नाली यहाँ पर कट हो गया है, ये नाली यहाँ कट होने का ये छः नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड में कुछ आता है बोल के लोग बता रहे हैं, फिर भी देखिए कट हो गया यहाँ पे, यहाँ इतने कट होने के बाद ये पानी यहाँ पे डब रहा है। आजू बाजू घर है यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन उधर घर बता सकते हैं कि देख सकते हैं कि फिर भी देख सकते हैं कि आगे आके हमारे कैमरामैन आगे के चला सकते हैं कि कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं उनसे ही बात करेंगे, फिर भी ये पट्टन पंचायत के महिलाओं का क्या कहना है क्या नहीं
इसके बारे में खुद महिलाएं बात करते हैं कि ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರ ಬಂದ್ರ ನಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಿಗೆ ಕಸರ ಬಿಡ್ತಾರ ಪೂರಾ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಮನೆ ಕಡೆ ಪೂರಾ ಮನೆ ಕಡೆ ಪೂರಾ ವಲಿ ಮನೆ ಫಿರ್ಭಿ ಹಮಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮನ್ ಹಮ್ ಬತಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ನಾಲಿ ಕಾ ತುಮ್ಹಾ ಬಾಬಾ ಥೋಡಾ ಆಗೇ ಆ ಸಕ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮನ್ ಹಮಾರೇ ಲಂದ ನಾಲಿ ಜಾಮ್ ಹೋ ಗಯಾ ಪೂರಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಯಾ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ದೇಖಿಯೇ ಆಪ್ ದೇಖಿಯೇ ಪೂರಾ ಹಮಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮನ್ ಕೋ ಅಭಿ ಆಗೇ ಆಗೇ ಬಾತ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ದೇಖಿಯೇ ಪೇ ದೇಖಿಯೇ ಪೇ ಪೂರಾ ಕಚರೆ ಕಾ ಢೇರ್ ಲಗಾ ಹುವಾ ಪೂರಾ ನಾಲಿ ಪೂರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೋ ಗಯಾ ಪಾನಿ ಕೈಸೆ ಜಾತಾ ಹೈ ದೇಖಿಯೇ ಪೂರಾ ಹಮಾರೆ ಫಿರ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಕುಛ್ ಕೈ ಮಹಿಳಾಯೇ ಹೈ ಉನ್ಹೋ ಬಾತ್ ಕರ್ ದೇಖಿಯೇ ಕೌನ್ ಬದರ್ तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर में बुधवार 27 मार्च 2024 को माह रमजान मुबारक के अवसर पर विन पैलेस में मोहम्मद आरिफ की ओर से 1500 रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुतुबुल्लापुर कांग्रेस पार्टी प्रभारी कोलन हनुमंत रेड्डी, पीसीसी भूपत रेड्डी, क्षेत्र कॉरपोरेटर रावला सेसागिरी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता सैयद जहांगीर और कई वरिष्ठ नेताओं गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित रहकर इफ्तार किया। इस अवसर पर विशेष दुआ भी की गयी। कुतुबुल्लापुर से तेलंगाना के केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। आज इस माह रमजान के मुबारक महीने में फंक्शन हॉल में हर साल के जानिब इस साल भी मुकम्मल कुरान शरीफ अदा की गई है। आज छठवा दिन है। रोज के महामारी के हिसाब से 6 दिन का शबीना था जिसमें आज पूरी कुरान शरीफ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो उस मौके पर आज हर साल की तरह इफ्तार की दावत रखते हम लोग विन पैलेस फंक्शन हॉल के जानब से मैनेजमेंट से और हमारे भाई नबी दो अन्ना का लास्ट में जी अरे अन्ना का लास्ट में जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस माह महीने रमजान का हमको बहुत खुशी थी। हर सालाना हमारे छोटे भाई साहब आरिफ साहब का इंतज़ाम होता है विन पैलेस फंक्शन हॉल में। अल्लाह ताला हमेशा उनको ये शहादत इस बात से मरसूल है। मंडी कमाल पीछे करो बैठ जाओ करने का उतना मौका देना अल्लाह ताला को हेल्थ का हम लोग अच्छा रहने के लिए भी दुआ करना इतना भी कि शामिल उत्तर पार्टी संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन AIITA यूनिट जहीराबाद की ओर से कॉन्फिडेंस हॉल इस्लामिक सेंटर में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दावत इफ्तार में मुख्य अतिथि महान बसवराज डल शिक्षा अधिकारी अतिथि वक्ता अब्दुल रशीद हैदराबाद तेलुगु कवि का विशेष संबोधन रहा। इस अवसर पर शिक्षक और भारी संख्या में रोजेदार मोहम्मद निजामुद्दीन गौरी ने सभी अतिथियों और रोजेदारों का स्वागत किया और यहाँ पर उपस्थित रहकर इफ्तार करने पर उनका धन्यवाद किया। जहीराबाद से मोहम्मद नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस विरोधी लहर है जो भाजपा जेडीएस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने में मदद करेगी। येडियुरप्पा ने बुधवार को हुबली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी गारंटी योजनाएं लागू करने में विफल रही और भाजपा द्वारा शुरू की गई पिछले योजनाओं को बंद कर दिया, इसलिए राज्य में कांग्रेस विरोध लहर है जो भाजपा जेडीएस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में किसान सम्मान योजना की राशि कम कर दी गई है क्योंकि सिद्धरामैया सरकार
ने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त 4000 रुपए की राशि को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा इससे साबित होता है कि सिद्धरामैया सरकार किसान विरोधी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नागपुर के रामटेक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने को लेकर कांग्रेस में खींचतान बनी हुई है। इन सब के बीच रामटेक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन पर कांग्रेस के नेता सुनील केदार ने कहा कि वह अंत तक लड़ेंगे और अगर वह नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। गौरतलब है कि सुनील केदार को जिला बैंक घोटाला मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा मैं सत्तारूढ़ पार्टी से बस इतना कहना चाहूंगा कि आप और आपके अधिकारी अगली बार जब सुनील केदार को निशाना बनाएं तो बस उसे फांसी पर लटका दें, उसे छोड़ना मत, क्योंकि अगली बार जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो मैं आपके हर घर में जाऊंगा और आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं अंत तक लड़ूंगा, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। कर्नाटक में विपक्ष के नेता और अशोक ने बुधवार को कहा कि भाजपा अपने अभियान को कन्नड़ के और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगड़गी के बयान पर मोदी समर्थक युवाओं को थप्पड़ मारना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने कहा कि भाजपा पीएम मोदी पर तंगड़गी की टिप्पणियों की निंदा करती है, जो मोदी और उनकी जाति के प्रति कांग्रेस पार्टी की घोर अवमानना के बारे में बहुत कुछ कहती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है, जिसने पीएम मोदी को 2 कार्यकाल सौंपे। 2014 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने उन्हें चायवाला कहकर उनका मजाक उड़ाया था। महाराष्ट्र में अमरावती की निवर्तमान सांसद नवनीत राणा बुधवार को आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नवनीत का पार्टी में स्वागत किया। इससे पहले दिन में भाजपा ने नवनीत राणा को अमरावती सुरक्षित सीट से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया था। भाजपा में शामिल होने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि वह पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों पर काम कर रही है, उनकी विचारधारा भी भाजपा से मेल खाती है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने गुरुवार को पीलीभीत की जनता के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पत्र को शेयर किया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, इस पत्र को लिखते हुए अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का बच्चा याद है जो 1983 में अपनी माँ की उंगली पकड़कर पहली बार पीलीभीत आया था।
तब वो नहीं जानता था कि एक दिन यह धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। पत्र में वरुण गांधी ने आगे लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्षों तक पीलीभीत की जनता की सेवा करने का मौका मिला। सिर्फ सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। लोकसभा चुनाव से पहले ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा कि एक विधायक के तौर पर उन्होंने 10 साल तक हिसार की जनता का प्रतिनिधित्व किया। एक मंत्री के तौर पर उन्होंने हरियाणा की निस्वार्थ सेवा की है। सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार की जनता ही उनका परिवार है। उसी परिवार की सलाह पर वह कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही है। कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन के लिए और उन सभी साथियों का भी उन्होंने आभार जताया जिन्होंने हमेशा उनका सहयोग और सम्मान दिया। सावित्री जिंदल का कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बीदर जिला के औरादी तालुका पट्टन पंचायत में पानी की नाली भारी समस्या से जूझ रहे हैं लोग। कचरे के ढेर भी दे रहे बीमारियों को दावत, संबंधित अधिकारी से लोग परेशान। गठबंधन राज्य में सभी 28 सीटें जीतेगा, पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने किया दावा। देवेगौड़ा के समर्थन का किया स्वागत। अगर फिर जेल से छूटा तो आपको नहीं छोड़ूंगा, महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ पार्टी को कांग्रेस नेता सुनील केदार की खुली धमकी। शिवराज संगड़गी की थप्पड़ वाली टिप्पणी पर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेगी, विपक्ष के नेता आर अशोक ने यह बात कही। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।